दरभंगा बिहार जैसे पवित्र राज्यों का एक ऐतिहासिक गौरवशाली और बेहद ही खूबसूरत शहर के लिए जाना जाता है, जो उत्तर बिहार के दरभंगा प्रशासनिक मंडल का एक जिला, एक अनुमंडल, एक प्रखंड और साथ में एक नगर निगम के रूप में भी जाना जाता है। दरभंगा शहर दरभंगा लोकसभा के अंतर्गत और दरभंगा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो बिहार की राजधानी पटना से 140 किलोमीटर बिहार के उत्तर भाग पे बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसे बिहार के मशहूर दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। दरभंगा जनसंख्या के हिसाब से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर और बिहार शरीफ के बाद बिहार का 8वां, भारत का 167वां और एशिया का 905 बड़े शहरों के लिस्ट में शामिल है। यानी कि दरभंगा बिहार के टॉप 10 शहरों के लिस्ट में शामिल है, जो देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब बात हो दरभंगा शहर की, तो हम दरभंगा राज किला, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, चंद्रधारी म्यूजियम, कुशेश्वर नाथ सिंह मंदिर, अहिल्या मंदिर, श्यामा मंदिर और मनोकामना हनुमान मंदिर के अलावा मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए दरभंगा जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, रहम खान मस्जिद, हजरत भीका शाह बाबा की दरगाह शरीफ और घोरन पीर बाबा की दरगाह शरीफ को कैसे भूल सकती हैं, जो दरभंगा शहर वासियों के लिए एक खास स्थान के रूप में जाना जाता है। अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन है तो आप यहाँ के रजनी साइनप्लेक्स में जाकर नई नई फिल्मों का मजा ले सकते हैं। इन सभी के अलावा दरभंगा के कई सारे रोचक और धमाकेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है, इसलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखना और बिना देर किए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर जरूर करना, ताकि यह इन्फॉर्मेशन हर दरभंगा शहर के गली मोहल्ले तक आसानी से पहुँच सके। साल 1864 में दरभंगा को एक नगर निकाय के रूप में गठन किया गया था, लेकिन अब साल 1982 में लगभग 40 वर्ष पहले दरभंगा को नगर निकाय से एक नगर निगम के रूप में गठन किया गया है। दरभंगा नगर निगम पे कुल मिलाकर 48 वार्ड शामिल है। इस नगर निगम को 48 वार्डों पे बांटा गया है, जिसमें 17 नंबर वार्ड सबसे ज्यादा आबादी वाला वार्ड कहलाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर पे तकरीबन 4695 एकड़ पे फैला है। दरभंगा शहर की ऊंचाई समतल से 52 मीटर तकरीबन 171 फुट के करीब है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 68% है। इससे पता चलता है यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और लिंग अनुपात 902 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 902 महिला है। दरभंगा बिहार के गौरवशाली इतिहास पे एक हीरे की तरह चमकता हुआ शहर था, जिसका इतिहास भारत के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक हुआ करता था, जिस वजह से दरभंगा को मिथिलांचल का दिल कहा जाता है। लेकिन आज का दरभंगा मिथिला पेंटिंग के लिए, गायकी के लिए, संस्कृति विरासत के लिए, मखाना के लिए, आम और मछली के लिए खास तौर पर जाना जाता है। इसे दुनिया भर पे एक खास पहचान दिलाता है। दरभंगा शहर की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प और रोचक है। दरभंगा शहर असल पे नया नहीं है, इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। रामायण काल से ही यह इलाका राजा जनक और उत्तरवर्ती हिंदू राजाओं का शासन केंद्र हुआ करता था। मध्य काल पे इस इलाके पर मुगल शासकों का कब्जा होने पर भी यह शहर हिंदू राजाओं के अधीन रहा। 16वीं सदी के दौरान ओइनवार शासकों ने और मुगल व्यापारियों ने कई तरह के मॉडर्न विकास इस शहर पे विकसित किया था, जो आज भी देखने को मिलते हैं। दरभंगा 16वीं सदी के दौरान दरभंगा राज की राजधानी हुआ करती थी। तब उस समय इन जगहों पर भारत का दूसरा लाल किला स्थापित किया गया था। दरभंगा महाराज का यह किला उत्तर बिहार का सबसे निराला और दिलचस्प इमारतों में से एक है। दरभंगा शहर हिंदू मुस्लिम धर्मों के साथ साथ सिख और ईसाई धर्मों
धर्मों के मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। वैसे दरभंगा भारत का हिंदू मेजोरिटी वाला शहर है, जहां पर शहर की आबादी का 71.5% आबादी हिंदू धर्म और 28% आबादी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। दरभंगा नगर निगम की आबादी आज के मौजूदा समय पे साल 2022 के अनुसार 3,65,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार दरभंगा की आबादी 2,96,000 है, जहां रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 56,492 है, यानी कि दरभंगा में कुल मिलाकर 56,492 घर है, जो हर एक परिवार पे औसतन 5 से 6 लोग रहते हैं।